नमस्ते एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. बहुत पुरानी रेमेडीज के सिलसिले में एक और चीज़ है पीपल का पत्ता और इसका अपने हार्ट से कनेक्शन. तो इस बारे में ऐसा है कि कभी घबराहट होती हो, जैसे अपने को हार्ट की तरफ दर्द सा महसूस होता हो, कभी गैस्ट्रिक ट्रबल जैसा महसूस होता हो, तो उसमें कैसा है कि पीपल के पत्ते के बारे में मुझे जितनी जानकारी है कि पिछले तकरीबन 35 साल के ऊपर हो गए जो मुझे अभी तक पता है इस बारे में, और मुझे खुद को ये पीपल का पत्ते का रस पीते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, तो उससे ऊपर ही समय हुआ होगा. और कैसा है कि इसके बेनिफिट्स इतने जबरदस्त, आप इसको मतलब इसको लेना इतना ज्यादा जरूरी है आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में, क्योंकि कभी आप टेंशन में होते हो, कभी बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो. तो उसमें कैसा है कि ये बहुत ज्यादा, कहने को तो ये बस पत्ते हैं दो जो कि आपको लेने हैं, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो भी कम जाएंगे. अब उसमें भी कैसा रहता है कि आप जाओ थोड़े से, आप पीपल के पत्ते आप तोड़ के आ लाए, सिर्फ दो ही तोड़ने जाके आपको ये, और उसमें भी कैसा है कि आपको सिर्फ ये दो हरे हरे पत्ते ही तोड़ने हैं, और इतना है कि चप्पल उतारने उनको. जैसे कि अपन अपने बिलीफ सिस्टम में कैसा है कि स्पिरिचुअल प्लांट है अपना, हम गणे अपने हनुमान जी और शनि जी की लिए इसमें अपन पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की, और ऑक्सीजन है 24 आवर्स वाला. तो आप ये सोचिए कि एक तो ये अलग बात होगी, और दूसरी हुई कि आप इसकी बनावट देखिए, और ये बिल्कुल हार्ट के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है. सिर्फ आप अगर कहीं इधर उधर चलते हुए भी आपको घबराहट हो रही है और आप इसके पत्ते तोड़ के मुंह में डाल लें, चबा लें और पत्ता खा भी जाए ना, तो आप जाएं पीपल के पेड़ के नज़दीक, वहाँ चप्पल उतारें अपनी, और बस हाथ जोड़ के ये उनसे निवेदन करें कि अपनी तकलीफ देने के लिए आपको तकलीफ दे रहे हैं हे प्रभु, और बस दो पत्ते तोड़ लीजिए. और उसके बाद में घर आके आपको सिर्फ इतना करना है कि एक, जैसे एक इंसान है उसके लिए दो पत्ते काफ़ी है, और ये 4 वक्त का पानी हो जाता है उबाल के रखने के लिए. और आपको ये कैसा कि खाना खाने के बाद पीना है, और इसको आप 2 गिलास पानी में ये 2 पत्ते उबाल लें, और एक उबाल आ जाए तो बस गैस बंद कर दें और ढक के रख दें, और तकरीबन खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लीजिए ये. उसमें भी कैसा है कि सिप सिप करते हुए एक छोटा कप आप पानी का पी लीजिए, उसको 4 भाग में डिवाइड कर लो अपना. और अगर कैसे बाई चांस आपको ये लगता है ना कि आपने पिया तो कहीं कुछ और घबराहट हो रही है या कुछ और हो रहा है या कुछ भी समथिंग, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर तो होते हैं नहीं, अपना वात पित्त कफ और नाड़ी का परीक्षण हम करेंगे कैसे, तो सिर्फ उसमें कभी कुछ हल्का फुल्का जैसे दर्द वगैरह लगे आप चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये फ़ायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा. और उसमें कैसा है कि मैं अगर अपने ऊपर से कहूँ तो मुझे भी इसको लेने में काफ़ी समय लग गया था. मैंने इसको लाई, देखी, धोया, पानी उबाल लिया, मैंने पिया ही नहीं. फिर डॉक्टर ने सोचा मैं इसको क्या, मतलब इसको कैसे पीना. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको आप मतलब जितना ध्यान से ले सकते हैं ना कि आप ये फील करके पीजिए कि ये इससे आपको फ़ायदा ही होगा. अब देखिए सर्दी, कुछ वेदर चेंज होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, तो इसकी मैं डिटेल्स आपको और भी बताऊंगी आगे. इसको हम कभी दूध में भी ले सकते हैं, और बाकी पत्तों के साथ और मिला के इसको हमें कैसे कैसे पीना है मैं इसमें आगे और भी वीडियो बनाऊंगी. लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आप इसको हार्ट के लिए लीजिए, अपने हृदय के लिए लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत काम करेगा. अभी कैसा होता है कि जैसे मैं ये तो सबके साथ लगा रहता है, तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, तकरीबन मेरे पापा को भी गुजरे हुए 22 साल हो गए. तो कैसा है कि मैं बड़ी घबराती थी उनको याद कर करके, तब उम्र भी ऐसी थी कि मैं बहुत रोती थी उनको याद करके. तो कैसा होता है कि मालूम नहीं मुझे कब कि हार्ट की तरफ कभी दर्द होने लग गया, फिर मुझे ECG के लिए ले जाते थे, तो इतना ज़्यादा जाने लगे, इतने ज़्यादा जाने लगे कि मैंने कहा यार क्या करूँ, ये क्या हो रहा है मुझे. तो फिर सडनली जब मुझे ये पीपल के पत्तों की जानकारी मिली, तो वो दिन है और आज का दिन है. आप यकीन मानिए मेरी बात, आप अभी तो जो मुझे सुन रहे हैं ये उससे ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पता चलेगा इसको पीने के बाद. और अभी मैं आपको इसको उबाल के दिखाती हूँ कि उबाल के कैसे हो जाता है. तो बस अभी देखिए ज़रा, अभी ये देखिए पानी डाल चुकी हूँ मैं इसमें ये, और अभी ये इसमें पीपल के पत्ते हम धो चुके हैं, और मैंने इसमें ये देखिए इसका ये सामने का ये नोक और ये देखिए पीछे की डंडी हमने तोड़ दी है, तो ये ऐसे तरीके ये ऐसे दिख रहा है. तो ये आपको अभी हम इस पानी में ये डाल देंगे ऐसे, और बस अभी थोड़ा सा उबालने चढ़ा देते हैं इसको हम. अभी देखिए ये पानी अभी उबलने चढ़ा दिया हमने, बस इसको उबाल आएगा और ये थोड़ा सा इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो इसको हम बंद कर देंगे. अभी देखिए इसके अंदर में 2 गिलास पानी है, और अब आप इसको हमें ऐसा करना है कि ये आप हफ्ते में
जैसे आप आज आपने दो दो दिन के लिए आपने ये पी लिया, अब इसके बाद में आप इसको 4 दिन रहने दीजिए, फिर आप इसको 2 दिन फिर पीजिए। उसके बाद में इस तरीके से क्या है कि फिर 3 दिन छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो, फिर आप इसको एक टाइम ले लो, सॉरी एक दिन ले लो, मतलब दोनों खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप सिप सिप करके चाय की तरह पियेंगे इसको खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद में बस। और फिर ये आपको देखना है कि हाँ ये आपको कितना फायदा करता है। एक और बात क्या होता है कि देखिए जैसे मौसम पर डिपेंड करता है ना कि अभी अपने को ये कच्चे कच्चे पत्ते मिल जाते हैं इस मौसम में, ये इस तरीके से थोड़े से ये देखिए ऐसे ऐसे, तो क्या होगा कि ये ना थोड़ा सा देर में अपना इसमें छोड़ते हैं कलर भी, और इनकी जो खूबियां हैं कहना चाहिए वो सब थोड़ा सा देर में आती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसको कम आंच पे करेंगे ना, तो कम आंच पे आप इसको एक 10 मिनट उबाल दीजिए और उसके बाद में आप इसको गैस बंद करिए। और ऐसा है कि फिर हाँ, और इस मौसम में फिर क्या करना पड़ेगा, आधा गिलास पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा कि ये पानी थोड़ा सा उबल के रिड्यूस होगा। और जो बाकी के मौसम जिस वक्त हमको ये पत्ते थोड़े से हार्ड मिलते हैं तो उस वक्त इनमें क्या होता है, देखिए ये बॉइल होके इसका ये कलर, और अब ये आप इतना है कि आप इसको चार जैसे थोड़ा थोड़ा आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आप उसको कितना ले रहा है आप इसको गर्म करें और अपना दोबारा पी सकते हैं। बाहर रखा रहे अपना, इसको फ्रिज में ना रखें, बाहर रखे रहिए और बस फिर कुछ चार टाइम ले लीजिए आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में। और कैसा है कि जैसे देखो मौसम में क्या होता है कि अभी तो ये नरम मिल गए हैं, कभी कभी अपने को पीछे के बहुत डार्क वाले हरे वाले पत्ते मिलते हैं तो वो कैसा होता है बहुत जल्दी पानी में हो जाते हैं, मतलब एकदम डार्क कलर आ जाता है। तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लें, दो घूट पी लें और रख लें, आप घूमते फिरते रहें इधर उधर, देखिए कि कैसा लग रहा है, महसूस करिए उसको। बस हार्ट की तरफ ध्यान रखिए कि आपका दर्द चला गया है, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि यहाँ पर कुछ तकलीफ थी मैंने पिया या क्या है। बल्कि हमारे घर में तो मैं क्या करती हूँ, जब मौसम चेंज होता है या कभी भी कुछ भी ऐसा लगा कि आप इवन थक भी गए हैं तो हम लोग तो क्या करते हैं, जाते हैं ये कम से कम 10 बार अभी पीपल के पत्ते तोड़ के ले आए अपने और इसको 1 लीटर भगोने में हमने उबालने चढ़ा दिया और बस फिर पी लिया। थोड़ा थोड़ा जैसे हम 4 मेंबर हैं घर में तो 10 पत्ते मैं ले आती हूँ ये इस तरीके से और फिर उबाल लिया इनको हमने पी लिया खाना खाने के बाद में। जैसे अपन साधारण पानी पीते हैं तो साधारण पानी ना पीते हुए आप ये वाला पानी पी लें बस, और इसके फायदे देखिए और आप बताइए ये कैसा लगता है। और बाकी जो कुछ और डिस्क्रिप्शन है मैं इसको नीचे जो बॉक्स है उसमें डाल दूंगी सब, तो आप उसमें से भी देख के समझ सकते हैं कि क्या है और सब कुछ जो जो मुझे इसके बारे में जानकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।